पहाड़ियों और फुसफुसाते पेड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव के बीचों बीच माया नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपनी सौम्य मुस्कान के लिए जानी जाती थी, जो सबसे ठंडे दिनों में भी गर्मी बिखेरती प्रतीत होती थी। उसकी आंखों में आशा की चमक थी, एक ऐसी आशा जिसने उसे लंबे वर्षों के इंतजार के दौरान सहारा दिया था। माया की शादी अर्जुन से हुई थी, जिसके सपने आकाश जितने विशाल थे। उन्होंने बरगद के पेड़ की छाया में हमेशा के लिए एक दूसरे से वादा किया था। उनका प्यार उनकी शादी की वेदी पर सजे फूलों की तरह खिल रहा था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। 10 साल पहले अर्जुन उन दोनों के लिए बेहतर जिंदगी की तलाश में कनाडा चला गया था। माया ने उसे विमान में चढ़ते देखा, उसके वादे एक मधुर धुन की तरह हवा में गूंज रहे थे। उसने जल्द ही लौटने, उसके साथ एक घर बनाने, उसे हंसी और प्यार से भरने का वादा किया था। लेकिन जैसे जैसे दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए, माया की उम्मीद कम होने लगी। वह यादों से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे डूबती हुई आत्मा बहती हुई लकड़ी से चिपक जाती है। उसका दिल अनिश्चितता के बोझ से भारी हो जाता है। फिर भी उसने कभी इंतजार करना नहीं छोड़ा। टोरंटो के हलचल भरे शहर में अर्जुन को वास्तव में अपनी खुशी का टुकड़ा मिल गया था। अर्जुन ने प्रिया नाम की एक महिला से दोबारा शादी की थी, जिसकी हंसी उनके विशाल घर में हवा में झंकार की तरह गूंजती थी। साथ में उनके 2 बच्चे हुए, जुड़वा बच्चे जिनकी मासूम हंसी उस शून्य को भर देती थी जो कभी अर्जुन के दिल में रहता था। फिर भी आराम और खुशी के बीच एक छाया थी जो एक मूक दर्शक की तरह अर्जुन पर मंडरा रही थी। यह माया की याद थी, वह औरत जिसे वह पीछे छोड़ आया था, जो वादे उसने तोड़े थे। वह अक्सर खुद को सितारों की ओर देखता हुआ पाता था, सोचता था कि क्या वह अभी भी उसका इंतजार कर रही है, क्या वह अभी भी उस प्यार को बरकरार रखती है जो लंबे समय से खत्म हो गया था। एक दिन जब माया अपने साधारण घर की खिड़की पर बैठी थी, उसकी नजर क्षितिज पर थी, एक पत्र आया। यह अर्जुन की ओर से था, उसकी लिखावट उसकी थकी हुई आत्मा के लिए एक मरहम की तरह थी। इसमें अर्जुन ने कनाडा में अपने जीवन के बारे में, अपने द्वारा बनाए गए परिवार के बारे में, उन सपनों के बारे में बात की जो उन्होंने कभी साझा किए थे। लेकिन लालसा और अफसोस के शब्दों के बीच आशा की एक किरण थी। अर्जुन ने भारत लौटने का फैसला किया था, उस गांव में जहां उसने इतने साल पहले अपना दिल छोड़ा था। उन्होंने मिलमिलाप की, नई शुरुआत करने की, उस महिला की बाहों में सांत्वना पाने की बात की जिसने कभी भी उससे प्यार करना बंद नहीं किया था। जैसे ही माया ने पत्र पढ़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि उसके भीतर भावनाओं का बवंडर उमड़ रहा है, प्रेम और लालसा का, दर्द और क्षमा का अथाह सागर उमड़ रहा है। लेकिन इन सबके बीच आशा की एक झलक थी, उस कल के लिए प्रत्याशा की एक चिंगारी जो उसका इंतजार कर रही थी। दिन सप्ताह में बदल गए और सप्ताह महीनों में बदल गए, क्योंकि माया ने अर्जुन की वापसी तक के क्षणों की गिनती की। उसने खुद को तैयारियों में व्यस्त कर लिया, अपने घर को फूलों और रोशनी से सजाया। उसका दिल एक नई शुरुआत के वादे से भर गया। और फिर एक मनहूस दिन, जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा और गांव पर सुनहरी चमक बिखेरी, अर्जुन वापस लौट आया। वह माया के सामने खड़ा था, उसकी आंखें पश्चाताप से भरी थी, उसका दिल उन वर्षों के बोझ से भारी था जो उनके बीच बीते थे। लेकिन माया ने उस आदमी को नहीं देखा जो इतने सालों पहले उसे छोड़ गया था। उसने अपने जीवन का प्यार देखा, जिसने उससे हमेशा के लिए वादा किया था, जिसका उसने अटूट विश्वास के साथ इंतजार किया था। और उस पल में जैसे ही उनकी आंखें समय और दूरी के विस्तार पर मिली, सारा दिल का दर्द पिघल गया और पीछे रह गया केवल वह प्यार जिसने यह सब सहा था। जैसे ही अर्जुन ने गले लगाया, उनकी आत्माएं एक दूसरे से ऐसे जुड़ गईं जैसे 2 नदियां एक में विलीन हो रही हों। उनके दिल प्यार की लय में एक साथ धड़क रहे थे। और जैसे ही वे हाथ में हाथ डालकर कल के आलिंगन में चले गए, माया को पता चला कि उनका प्यार किसी भी दूरी से अधिक मजबूत, किसी भी अफसोस से अधिक गहरा और समय से भी अधिक स्थायी था। जैसे ही माया और अर्जुन फिर से मिले, गांव जश्न में डूब गया। पड़ोसी अपने घरों से बाहर निकल आए, उनके चेहरे खुशी से चमक उठे जब उन्होंने उड़ाऊ बेटे और उसकी प्यारी पत्नी का वापस स्वागत किया। हवा चमेली के फूलों की मीठी सुगंध और हंसी और संगीत की आवाज से भर गई थी, जो प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण था।
लेकिन उत्सव के बीच एक छाया थी जो माया के दिमाग के कोनों में घूम रही थी। वह बेचैनी की भावना उस सताते संदेह को हिला नहीं सकी जो उसके दिल की गहराइयों में फुसफुसा रहा था। यह ज्ञान था कि अर्जुन ने उसके बिना जीवन बनाया था, कि उसे दूसरे की बाहों में खुशी मिली थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, माया अपने सामने वाले व्यक्ति को उस छवि के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए संघर्ष करती रही जो उसने इतने लंबे समय से अपने दिमाग में रखी थी। अर्जुन अब एक अजनबी था, उसकी हंसी में एक उदासी झलक रही थी जो उसकी हंसी को प्रतिबिंबित करती थी। माया उस प्यार को फिर से हासिल करना चाहती थी जो उन्होंने कभी साझा किया था, लेकिन यह एक असंभव काम लग रहा था। इस बीच अर्जुन अपने ही राक्षसों से जूझ रहा था। वह अपने द्वारा चुने गए विकल्पों और अपने पीछे छोड़ी गई जिंदगियों से परेशान था। उसने माया को विस्मय और अपराध बोध के मिश्रण से देखा, अपने विश्वासघात के सामने उसकी ताकत और लचीलेपन पर आश्चर्य किया। वह सुधार करने, खुद को एक बार फिर उसके प्यार के लायक साबित करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, लेकिन उसके अतीत का बोझ उस पर भारी पड़ रहा था। जैसे जैसे महीने बीतते गए, माया और अर्जुन पुनः खोज की यात्रा पर निकल पड़े। प्रत्येक कदम अनिश्चितता और लालसा से भरा हुआ था। उन्होंने लंबे समय तक बातचीत की, अपनी आशाओं और भयों, अपने सपनों और निराशाओं को साझा किया। वे एक साथ हंसे और रोए। उनके दिल तेल के दीपक की टिमटिमाती रोशनी में खुले थे, जिसने उनके साधारण घर को रोशन किया था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वे दीवारें जो उन्हें अलग करती थी ढहने लगी। उनकी जगह समझ और क्षमा की एक नई भावना ने ले ली। उन्होंने वर्तमान क्षण की सुंदरता की सराहना करना, उस प्यार को संजोना सीखा जो उनके द्वारा झेले गए परीक्षणों और कष्टों के बावजूद कायम रहा। और जब वे रात के आकाश में फैले तारों की छांव के नीचे हाथ में हाथ डाले खड़े थे, माया को पता था कि उनका प्यार किसी भी बाधा से अधिक मजबूत था, किसी भी तूफान से अधिक लचीला था। आखिरकार यह अलग साल नहीं थे जो उन्हें परिभाषित करते थे, बल्कि वह प्यार था जिसने उन्हें पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक जीवंत एक साथ वापस मिलाया था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसी और रोचक कहानियों के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।